दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप Redmi में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, Redmi के फोन में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने में ये डायलर ऐप ओपन करिए, फोन ऐप, और ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करिए और सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाते ही इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, यहां पर कॉलिंग अकाउंट्स पे क्लिक करिएगा और उस पर क्लिक करते ही नया इंटरफेस मिलेगा। हो सकता है आपके में दो सिम पड़े हो तो आपको सिम सेलेक्ट करने को बताए तो बताता है, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी सिम के लिए आपको कॉल फॉरवर्डिंग सेट करनी है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, ये कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स करके इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे अब आपको किस टाइप की लगानी है, अनकंडीशनल मतलब ऑलवेज फॉरवर्ड कि हमेशा हो, या फिर कंडीशनल लगानी है कि व्हेन बिजी, व्हेन अनआंसर्ड, या फिर व्हेन अनरीचेबल। जो भी टाइप की कॉल फॉरवर्डिंग लगानी हो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जिस भी नंबर पे फॉरवर्ड करनी है वो नंबर डाल देंगे, ठीक है, और नंबर डालने के बाद टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपडेटिंग सेटिंग्स इस टाइप से दिखाएगा और आपके में जो है वो कॉल फॉरवर्डिंग लग जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एरर टाइप से आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे ऑन नहीं हुई, बट आप जब करेंगे वहां पे तो आपके में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए।